हेलो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस की कुछ इंपॉर्टेंट एम को डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सो so क्वेश्चन है प्योर रिस्क डज़ नॉट क्लासिफाई इनटू फॉलोइंग ग्रुप तो प्योर रिस्क को इन ग्रुप्स के इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिस ग्रुप में क्लासीफाई नहीं किया जा सकता है तो देखिए पहली बात तो प्योर रिस्क होता क्या है तो प्योर रिस्क कैसा होता है कि जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते मतलब प्योरली वो रिस्क है हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते और इसके दो ही आउटकम होते हैं या तो कंप्लीट लॉस होगा या फिर कोई लॉस नहीं होगा और इसमें आ, कोई ऑप्शन ही नहीं होता है कि आपको गेन या प्रॉफिट जैसी अपॉर्चुनिटी मिले सो दैट इज़ प्योर रिस्क तो प्योर रिस्क को तीन कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है दैट इज़ पर्सनल रिस्क प्रॉपर्टी रिस्क एंड लाइबिलिटी रिस्क सो आंसर यहाँ पे क्या बनने वाला है पर्टिकुलर रिस्क नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन विच ईयर तो एल ने एल का जो बिज़नेस है वो इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ 1880 और 1880 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी उनके नाम से ये बिज़नेस स्टार्ट किया गया था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सो आंसर बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी विच स्टार्टेड इट्स बिजनेस वॉज सो यहाँ पे आपका फर्स्ट जो कंपनी है वो कौन सी है तो बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरें लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी एम्पायर ऑफ इंडिया लाइफ एश्योरेंस कंपनी और या फिर आपका एल्बर्ट लाइफ एश्योरेंस या रॉयल इंश्योरेंस सो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी सो ये फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है राइट right? और ये जो आपकी कंपनी uh, है ये कंपनी 1870 में है सो so, बेसिकली ये जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने जो फर्स्ट बिजनेस अपना लिया वो आपका नाइन एटीन के टाइम पीरियड में रहा है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन विच ईयर इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज एक्ट केम इन टू इफ़ेक्ट तो आई आर डी एक्ट आपका आप जो है उसके बारे में आपसे पूछ रहा कि वो एक्ट कब इफेक्ट में आया तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट जो है वो ऑप्शन होगा आपका 1999 ऑप्शन नंबर सी देखिए 1938 में इंश्योरेंस एक्ट आया था तो इंश्योरेंस एक्ट अलग है और आईआरडीए एक्ट के बाद में। में के बाद अलग बात हो गई तो पहले वो इंश्योरेंस एक्ट था जो कि 1938 था और ये जो आपसे पूछा जा रहा है दैट इज आईआरडीए एक्ट तो ये होगा आपका नाइनटीन में ओके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ मेनी इंश्योरेंस कंपनीज वर मर्ज इंटू वन इंटिटी, द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो कितनी बीमा कंपनियों को मिलाकर मर्ज करके आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो एक एंटिटी है वो बनाई गई थी मतलब तो इसमें कितनी कंपनियाँ मर्ज हो ये आपका एल आई सी आपकी स्टाब्लिश हुई सो बेसिकली so, इसका आंसर होगा टू फोर्टी फाइव टू फोर्टी फाइव कंपनीज को मर्ज करके आपकी एल आई सी एग्जिस्टेंस में आई नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ एग्रीमेंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस तो जो इंश्योरेंस होता है इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें किस तरह का एग्रीमेंट होता है कॉन्स्टेंट कॉन्टीजेंट इ लिगल या कोले कोलेट्रल तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके एग्जाम्पल ही होते हैं आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्यों क्योंकि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में किसी चीज़ के होने ना होने के मतलब आउटकम्स के बारे में बात होती है कि इवेंट क्यों होगा नहीं होगा ये हैपनिंग होगी या नहीं होगी इसके बेसिस पे चीजें डिपेंड होती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वर्कआउट होगा या नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट की कंप्लीशन या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने की जो पार्टीज की बात होती है वो इस बात डिपेंड करती कि पर्टिकुलर इवेंट ऑकर होगा या नहीं होगा तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में भी आपका यही प्रॉस्पेक्ट रहता है इसीलिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो किस तरह का एग्रीमेंट होता है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का होता है क्योंकि हुआ तो सही है जैसे लाइफ इंश्योरेंस आपने लिया ऑपरेश किया गया लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी तो लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम कब होगा जब ये ऑकर होगा क्या डेथ ऑकर होगी तब जाके ये इसका क्लेम आप करेंगे सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कार एक्सीडेंट की कार इंश्योरेंस की तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब कार में कोई एक्सीडेंट होगा या हेल्थ का हेल्थ uh, इंश्योरेंस ले रहे हैं तो अगर कोई इलनेस हुई तो ही जाके क्लेम होगा तो इसलिए जितना भी पूरा इंश्योरेंस है वो किस कॉन्ट्रैक्ट पे होता है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं The indemnity depends on the तो जो इंडेमिनिटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है कॉन्ट्रैक्ट पे एग्रीमेंट पे कंसरेशन पे या ऑफर पे सो बेसिकली अगर कहा जाता है कि देखिए इंडेमिनिटी मतलब होता है क्षतिपूर्ति मतलब लॉस जो आपको हो रहा है उसका कवरेज तो इंडेमिनिटी किस बात पर डिपेंड करती है इंडेमिनिटी में जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी होता है वो यही कहता है कि आप में इंडेमिनिटी जो हो रही है वो मतलब जो आप इंश्योरेंस कराए हैं उससे आपकी लॉस की कवरेज होनी चाहिए आप इस इंश्योरेंस से कोई प्रॉफिट या कोई गेन अर्न ना कर रहे हो तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ इंटम्यटी एक्चुअल लॉस के बारे में बात करता है कि जितना लॉस हुआ है उतने का आपको क्लेम रिसीव होना चाहिए ठीक है कोई फ़ायदा इससे इंश्योरेंस इस, इस क्लेम से मिलना नहीं चाहिए तो यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं कि फिर ये इंडिब्रिटी का अमाउंट डिपेंड किस पे करता तो कर है तो अगर ओवरऑल की बात करें तो ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी है एग्रीमेंट भी है कंसरेशन भी है ऑफर भी है तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाता है कंसड्रेशन और यहाँ पर जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर कंसिड्रेशन होता है कि आपने जितना अमाउंट जो लॉस है आपका जिसकी कवरेज आप लेने वाले हो वो डिपेंड करती है आपने कितना प्रीमियम एंड कितने का सम इंश्योर्ड लिया हुआ होता है तो कंसिडरेशन मतलब ही होता है इन रिटर्न सो बेसिकली यहां पे जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी कंसिडरेशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट वॉज इनेक्टेड

क्टेड हुआ है पर्टिकुलर से पर्टिकुलरसी हजार, सब्सटेंस की वजह से तो जो इमिडिएट रिलीफ प्रोवाइड करता है उसके रिगार्डिंग आपका पब्लिक लाइब्रेरी इंश्योरेंस एक्ट होता है राइट तो ये हजार इंडस्ट्रीज में ज्यादा प्रेफर किया जाता है और ये एक्ट है 1991. नाइनटी वन नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल ऑफ फायर इंश्योरेंस प्रॉपर्टी ओनर मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रिलीवेंट इंफॉर्मेशन टू द इंश्योरेंस कंपनी तो किस प्रिंसिपल इंश्योरेंस के किस प्रिंसिपल में ये होता है जहाँ पे आप जो प्रॉपर्टी ओनर है उसे सारे फैक्ट जो है वो डिस्क्लोज कर देनी चाहिए इंश्योरेंस कंपनी को तो देखिए ये चारों ही आपके क्या हैं इंश्योरेंस के प्रिंसिपल हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट इंडेमिटी प्रिंसिपल एटमोस्ट गुड फेथ या सब्रोगेशन ये सारे इंश्योरेंस के प्रिंसिपल हैं तो यहाँ पर बात हो रही है डिस्कस डिस्क्लोज करने की मटीरियल फैक्ट को डिस्क्लोज करने की बात हो रही है तो देखिए एटमोस्ट गुड फेथ का जो ये प्रिंसिपल होता है वो यही कहता है कि चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो या इंश्योर्ड पर्सन दोनों को ही अपनी जो इंपॉर्टेंट या मैटर है जो भी इंपॉर्टेंट मैटर है उसको डिस्क्लोज कर देना चाहिए मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज कर देना चाहिए पॉलिसी के रिगार्डिंग तो इसीलिए यहां पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एटमोस गुड फेथ बट यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट या इंडेमिटी या सब्रोगेशन का प्रिंसिपल क्या होता है इन शॉर्ट हम समझ लेते हैं सो इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या कहते हैं आपसे इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहता है कि जो लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट होना चाहिए है ना फाइनेंशियल फाइनेंशियल गेन होना चाहिए या फाइनेंशियल प्रॉफिट होना चाहिए किसी रिलेशन के रिगार्डिंग होना चाहिए मतलब उनका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए अगर फायर इंश्योरेंस की बात करें तो वहाँ पर फाइनेंशियल गेन या फाइनेंशियल लॉस के रिगार्डिंग होना चाहिए जबकि लाइफ इंश्योरेंस में क्या हो जाता है ये इंश्योरेबल इंस्टेंट जो इंटरेस्ट होता है वो रिलेशन के रिगार्डिंग हो जाता है है ना तो मतलब कोई ना कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप इंश्योरेंस करा रहे हैं और आप उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड ही नहीं जिस सब्जेक्ट के लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हैं उस सब्जेक्ट से आपका कोई रिलेशन ही नहीं कोई हित ही नहीं है तो इस केस में उसे हम फ्रॉडलेंट मान लेते हैं तो इसीलिए इंश्योरेबल जिस जिस चीज का आप इंश्योरेंस कराने जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग इंटरेस्ट का एग्जिट एग्जिस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइट तभी आपका इंश्योरेंस वैलिड होता है नेक्स्ट प्रिंसिपल जो इमेटेड इंडेमनिटी का है वो ये कहता है कि अगर आप इंश्योरेंस करा रहे हैं और इसका क्लेम की बात आती है तो आपको आपकी जो लॉस है उसकी कवरेज इंश्योरेंस देगा ना कि इससे हम कुछ प्रॉफिट या गेन अर्न करेंगे तो उस चीज़ के रिगार्डिंग तो इंडेमनिटी कहता है कि आपके लॉस को कवर किया जाए ना क्षतिपूर्ति के लिए होता है ठीक है सिमिलरली गुड फेथ हमने क्लियर कर लिया और सब्रोग्रेशन का प्रिंसिपल होता है तो देखिए सब्रोग्रेशन के प्रिंसिपल में ऐसे समझिए इसको कि अगर आपने इंश्योरेंस कराया और इंश्योरेंस आपने ये लिया कि अगर मुझे कोई लॉस किसी थर्ड पार्टी की वजह से होता है तो मुझे उसका क्लेम मिल जाए राइट तो अब यहाँ पे क्या हो गया इंश्योरेंस कंपनी अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको लॉस हुआ है तो आपको रिकवरी तो वो दे देगी लेकिन साथ ही में वो क्या करेगी उस थर्ड पार्टीज को स्यू करके उस पर केस करके उससे लॉस के अमाउंट को रिकवर करेगी लाइक कार एक् मान लीजिए कार इंश्योरेंस है और उसमें आपने इंश्योरेंस जो रहा है उसमें सब प्रिंसिपल अप्लाइड है तो उसके अकॉर्डिंग होता क्या है कि मान लीजिए आप कार का जो एक्सीडेंट होता है वो इस वजह से हुआ क्योंकि किसी ने रूट ड्राइविंग करी ठीक है तो इन दैट सिनारियो क्या हो गया कंपनी आपको क्लेम तो दे देगी लेकिन किसी की गलती की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ जो कि थर्ड पार्टी था तो उस केस में सब्रोगेश, आ, सब्रोगेशन प्रिंसिपल के अंडर रहते हुए वो उस थर्ड पार्टी को क्लेम करेगी शू करेगी और उससे अमाउंट की रिकवरी करेगी तो ट्रांसफ़र ऑफ राइट यहाँ पे आ जाता है दैट इज सब्रोग्रेशन प्रिंसिपल तो ये सारे क्या हो गए आपके इंश्योरेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए आई होप आपको क्लियर हुआ होगा विश यू ऑल द बेस्ट